हेलो स्टूडेंट्स, चल इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस इज 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी कॉज द इमिशंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। आपको क्या दिया है, पे वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वेवलेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वर्क फंक्शन का? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज नथिंग बट रिजोल्व फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये वाला आंसर किसमें होता है? जूल में होता है। बट मुझे वर्क फंक्शन किसमें देख रखा है? इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे कन्वर्ट करोगे? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एस सी डिवाइड बाई ई इंटू लैमडा। अभी किसमें आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, अब मेरे पास क्या दिया? वर्क फंक्शन दिया हुआ है और लैमडा को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये एस सी बाय लैम्डा इन सब का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, तो आपको याद रखना डायरेक्टली ये वैल्यूज आता है 1240। लैम्डा बस किसमें आएगा? नैनोमीटर्स में। ये शॉर्टकट रिजल्ट सभी को याद रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर वर्क फंक्शन का वैल्यूज मुझे याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो शॉर्टकट फॉर्मूला कितना हो गया? 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा नैनो में। कहाँ से आई ये? आपके पास वर्क फंक्शन का कॉमन फॉर्मूला एस सी बाय लैम्डा। अब यहाँ पे अगर मैं ये आंसर बट जूल में, बट मुझे आंसर किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में देखो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए, तो मुझे फॉर्मूला भी कौन सा निकालना है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन ये जूल में था, हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में? डिवाइड बाय ई। ठीक है, तो ये किसमें आएगा? अब ये रिजल्ट किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। नाउ एस सी बाय ई, इसका वैल्यूज कितना होता है? 1240। एंड दैट टाइम लैम्डा किस में आएगा? नैनोमीटर्स में। क्लियर, ये शॉर्टकट रिजल्ट याद रखना है आपको। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय योर वर्क फंक्शंस। ठीक है, तो 1240 डिवाइड बाय कितना आएगा? दैट इज अ 3। इसको कैंसिलेशन को 3 4 जा, देन कितना आएगा? 3 1 जा, एंड देन अगेन कितना आएगा आपके पास? 4। तो दैट इज अ 4 4 1 4 नैनोमीटर्स। लैम्डा का वैल्यू कितना है? 414 नैनोमीटर्स। ठीक है, वर्क फंक्शन के दो फॉर्मूले, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, सेकंड वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ फोटॉन से होता है। तो जो एनर्जी ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला किसका होता है? वर्क फंक्शन का। क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा है? वर्क फंक्शन के फॉर्मूला ये वाला जो फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला फॉर्मूला किसमें? जूल में होता है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए तो मैं इसको डिवाइड बाय ई करूंगा। आपको चाहिए तो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एच सी और ई पुट करो, या तो डायरेक्टली याद रख लो एच सी बाय ई, इसको रिमूव करके हम क्या ले सकते हैं उसकी जगह पे 1240, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? एच सी बाय ई का वैल्यू कितना होता है? 1240। बट उस टाइम पे वेवलेंथ किस में आ जाएगा? नैनोमीटर्स में। ठीक है, सो दैट वर्क फंक्शन का वैल्यू किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब मेरे पास फॉर्मूला क्लियर हो गया, तो बस अब कुछ करना ही नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख के बता सकता था जो मैक्सिमम टीचर्स बता रहे, बट आपको याद रखो ये फॉर्मूले आ कहाँ से। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर ये वाला फॉर्मूला कि ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस एस सी बाय ई को रिप्लेस किए से आता है 1240। मैक्सिमम स्टूडेंट ये डायरेक्टली याद रखते हैं, आप भी डायरेक्टली याद रखो। ठीक है, चलो समझ में आया सबको? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।